हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनाज कुकिंग चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं पास्ता रेसिपी, इजी एंड टेस्टी। प्लीज फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज का प्याज, 1 टमाटर, थोड़ा हरा धनिया, 2 शिमला मिर्च, हलवा, चिकन मसाला। आपका अगर मैगी मसाला है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पास्ता आधा किलो लिया है, 500 ग्राम्स। इसमें वाटर ऐड करेंगे। मैंने 5 ग्लास वाटर ऐड किया है। फिर हम इसे बॉईल करने रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे। हम इसे मीडियम फ्लेम पे रख दिए हैं। अब इसमें हम हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे ताकि वो चिपके ना। 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स कर इसे कवर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम करिया पक डालेंगे, इसमें हल्का सा इसे भून लेंगे। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसे लो फ्लेम पे रखेंगे। अब इसमें ऑयल ऐड करेंगे। मैंने 4 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किया है, आप देख सकते हैं। लो फ्लेम पे इसलिए रखा है ताकि प्याज जल ना जाए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स कर इसे कवर कर देते हैं 1-5 मिनट। ये देखें, पास्ता भी हल्के से गल गया है। इसे बीच बीच में चेक कर लेना चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा गल जाता है ज़्यादा देर तक रखने से। थोड़ा इसे मिक्स करते रहना चाहिए अपन। इसे लो फ्लेम पर रखा है। इसमें हम 2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर हमने लिया है 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी। अब हम इसे मिक्स करते हैं अच्छे से। अच्छे से भूनते हैं इसे ताकि धान चले जाए मिर्ची की। फिर हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, शिमला मिर्च डालने से टेस्ट पास्ते का और बढ़ जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करिए, 1-2 मिनट तक इसे अच्छे भूनिए। फिर हम इसे अच्छे से भूनते जाएंगे ताकि ये शिमला मिर्च का टेस्ट इस मसाले में जाए। अब हम इसे कवर करके लो फ्लेम पर चढ़ा देते हैं। ये देखिए, मैक्रोनी अच्छे से पक गए हैं। चलिए हम आप इसे उतार लेते हैं। अच्छे से बिना वाटर के निकाल लिए हमने, सूखे सूखे रहना चाहिए। मैक्रोनी गलने से टेस्ट वो हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये तो अच्छे से पक गया है। ये देखे इसमें कितना अच्छे से कलर आया है। अब हम इसमें मैक्रोनी आहिस्ता से आहिस्ता ऐड करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करेंगे मसाले में। हल्के से मिक्स करना है ऐसे क्योंकि मैक्रोनी टूट जाते हैं। इसे सारे सारे रखने के लिए हल्के से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करिए इसे, 1-5 मिनट तक मिक्स करना है हमें। ये देखें, हमने टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है। अब हम इसमें हलवा, चिकन
मसाला ऐड करेंगे। आप मैगी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं पास्ता का, वो भी टेस्ट अच्छा आता है उससे भी। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर रखा है। इसमें धनिया का पाउडर डालने से और टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए अब हम इसे धीरे धीरे हल्के से मिक्स करेंगे। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता से। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे आपके लिए मैं ऐसी ही इजी रेसिपी लाते रहूँगी। अब हमारा पास्ता मैक्रोनी रेडी है खाने के लिए। ये देखिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।